आ रहा है या तो हम जो
धनिया लेते हैं, उसमें क्या मिल रहा है आपको? घोड़े की मीट भी मिलती है। वो तो छोड़ो, हमने गाय भैंसों को तक नहीं छोड़ा है, उसको हमने क्या किया है, इंजेक्ट करके उसके दूध निकाल दिया। जो बच्चा ये दूध पीने वाला है, मतलब लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, वो ये नहीं सोच रहे इससे जान बचेगी या मौत हो जाएगा। जो नन्हा बच्चा आज इस धरती पे आ रहा है, अगर वो ऑक्सीटोसिन वाला और इंजेक्शन वाला दूध पी पाए तो उसके लिए दूध सही है। लेकिन हम ये देख नहीं रहे सिर्फ पैसा कमाने के लिए जहर के बच्चे को पिला रहे। लेकिन ये जो चीजें है हम बदल सकते हैं क्या? इसको हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे तक आ रहा है तो हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन कुछ चीजें है तो हम चाहेंगे कि वो बदल के, अगर हम कुछ अलग चीज कर सकते हैं, अच्छी चीज करते हैं, तो वो करना चाहेंगे आप? यस डेफिनेटली। एक अलग बदलाव करके हमारे जो हर रोज की चीजें है उसमें थोड़ा बदलाव करके कर सकते। लोग कहते हैं कि हम आपके साथ क्यों जुड़े? हम कहते हैं अगर आपको लगता है 99% चीज काम नहीं करेगी, सिर्फ 1% भी काम कर, कितना टक्का काम की? 1% भी काम की वो चीज है तो आपके लिए वो फायदेमंद है। अगर आपके उत्पाद ने काम नहीं किया तो वो पूछते हैं ना लोग, क्या पूछते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो क्या होगा? लेकिन उस प्रोडक्ट जो हम आप तक पहुंचाते हैं वो प्रोडक्ट लास्ट 30 साल से 220 राष्ट्रों में चलते हुए प्रोडक्ट्स है, उसमें से लोगों ने अच्छा तो लिया है। 1% भी भरोसा की, 99% भी नहीं, 1% भी अगर आपने उसके ऊपर भरोसा किया और वो प्रोडक्ट अपनाए, वो उत्पाद अपनाए, तो वो उत्पाद से आपको क्या मिलेगा? एक तसल्ली मिलेगी, एक हेल्थ मिलेगी और एक वेल्थ भी मिल सकती है। लेकिन वो 1% भरोसा होना बहुत ही जरूरी है। उस 1% से आप कहीं के कहाँ पहुंच सकते हैं। और ये 1% जो है, ये 1% जिन्होंने लिया है वो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जितने सारे लोग हैं बहुत लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, यही विश्वास से कि शायद इस 1% से आपको कुछ फर्क मिलेगा और उसमें से आपको हेल्प मिलना शुरू हो गई, आपको हेल्प मिलना भी शुरू हो गई। कितने लोग हैं जो गेट से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? बच्चे होशियार हो गए, एकदम होशियार बच्चे। तो सबके सब बच्चे आज 1% के हिसाब से आए थे, लेकिन 100% आप उनकी सेहत अच्छे से निभा रहे हो। इसका मतलब जो हम एक इच्छा से आते हैं कि इधर हमें कुछ अलग सीखने को करने को मिलेगा, जब शुरू होता है कि बिजनेस, हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा है, तो हम वो अच्छे से मीटिंग लेते हैं। बट जब एक के ऊपर एक गोला लाना शुरू हो जाता है तब क्या होता है, ये समझ में नहीं आता है कि मैं तो किधर तो बसवा, इसने मुझे बसवा दिया, लगता है ना कि इसने मुझे हेल्प के लिए लाया, लेकिन एक गोले के नीचे 6 गोले, फिर उसके नीचे कितने गोले लगा रहे हैं? 36 और 200। तो ये जब गोले लगते हैं तब लोगों को क्या लगता है, मैं तो फंस गया, किसी ने मुझे फंसा दिया। लेकिन आपको लगता है 500,000 के लिए कोई आदमी का अपना आपको फंसाएगा? नहीं, क्यों नहीं फंसाएगा? उसने आपको यहाँ पे क्यों लाया है? क्योंकि उसने वो प्रोडक्ट यूज किया, उसको वो प्रोडक्ट काम आया, उस प्रोडक्ट से उसको हेल्प मिली है, उस प्रोडक्ट से उससे वेल्थ मिली है। वो चाहता है कि आपके साथ कुछ अच्छा, आप भी उस प्रॉब्लम से निकले, आप भी कुछ ऐसे फ्रीडम लाइफ जिए जो वो जिएगा। जो अपना लोग है वो ही चाहेगा कि आपको इस मीटिंग में लाए, अपने लोगों को हम यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करें। लोग क्या सोचते हैं कि इसने मुझे 500,000 के लिए फंसाने की कोशिश की, कोशिश 500,000 को फंसाने की है, कोशिश ये है कि एक बेहतर जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ वो बेहतर जिंदगी मैं किसी और को, मेरे अपने को दे सकूं। जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स आज हम यूज कर रहे हैं, मुझे बोलो अगर मार्केट में टीवी पे एडवर्टाइज लगा दिए तो प्रोडक्ट बेचे जाएंगे? तो हमको इतने अच्छे वाले प्रोडक्ट के लिए हमको क्यों चुना गया, ये दिमाग में आएगा ना कि इतने अच्छे प्रोडक्ट है, लोग इतने
से जुड़े हुए, तो इसके लिए हमको क्यों अपॉर्चुनिटी, हमको संधि क्यों दी है? ये सबको विचार आएगा। किसी और सेलिब्रिटी नेता अभिनेता को भी लगा देते तो प्रोडक्ट में बिक जाता था क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन एक मार्केट चलता है, जो एडवर्टाइजिंग चलती है, मुझे बोलिए जो एडवर्टाइजिंग आती है वो सही प्रोडक्ट है तो ओरिजिनल रहती है? पैसा देके काले को गोरा और गोरे को काला भी हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं तो लंबी उड़ान, ऊंची उड़ान, इधर से उड़ो उधर से उड़ो, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एडवर्टाइजिंग में सच्ची होगी नहीं। लेकिन और एक चीज चलती है जो चलती है अपनों की चीज चलती है, लेकिन अपनेपन की चीज चलती है, जैसे हम अपने लोगों के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं। एक मार्केट ऐसे चलता है जो अपनों के लिए चलता है। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मैंने कुछ गलत चीज आपको दे और आपको अच्छी नहीं लगी, क्या आप इसको रिकमेंड करोगे? मैंने आपको 1,00,000 रुपया दिया, इसको रिकमेंड करोगे? जो आपको अच्छी नहीं लगी, काम नहीं की, मैंने आपको 1,00,000 रुपया दिया, आपके बच्चे को आप रिकमेंड करोगे? 1,00,000 रुपया दिया गलत चीज है, आपके बच्चे को रिकमेंड करोगे? पैसों के लिए आपके बच्चे को गलत चीज रिकमेंड करोगे? नहीं नहीं। 2,00,000 दिया तो आपके बच्चे के लिए नहीं करोगे? अगर आपको चीज अच्छी लगी, लाइक पोको जी अच्छा लगा, मैंने आपको कुछ पैसा नहीं दिया, आपके बच्चों के लिए आप रिकमेंड करोगे? पैसा देके एडवर्टाइजिंग करना और अपने लोगों के मार्केट में काम करना, ये गलत चीज। जो बड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, जो एक बड़ा सा पैसा है, वो अपनों के मार्केट में चलता है क्योंकि अपनों के मार्केट में सच्चाई है। हम लोग बुरी चीज यूज करना कोई चाहता है? बुरी चीज यूज करना, गलत चीज यूज करना चाहता है? ऐसा है जो गलत चीज यूज करना अच्छा लगेगा? नहीं, ये अपनों का मत। हमें अगर अच्छा लगता है तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए हम रिकमेंड करना शुरू करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा पैसा अपने लिए हम खड़ा कर सकते हैं। और ये अपनों का ही मार्केट ऐसा है ना कि जो सबसे ज्यादा बढ़ना चाहिए, इसमें गलत चीज सर्कुलेट नहीं होती। एक बार आप कर गलत अलग चीज गलत चीज ले सकते हो, लेकिन दूसरी बार वो कस्टमर आपके पास वापस कभी भी नहीं आएगा। और वो मार्केट में बोल भी देगा कि बाबा इसके पास मत जाना, इसने ये मुझे गले में लटका दिया, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। आपके पहले 10 लोगों तक वो पहुंच जाएगा। इसलिए अपनों का मार्केट जो रहता है ना, बहुत सेंसिटिव मार्केट रहता है। मतलब हम अच्छे से अच्छी चीज खुद के लिए, अपनों के लिए देना चाहते हैं, तो इसमें जो है ना, ये जो BHSN का मार्केट है, ये अपनों का मार्केट है। यहाँ पे सच्चाई चलती है। अगर सच्ची चीज है तो हम उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, एक तक का चांस उसमें ले सकते हैं। लोग पूछते हैं ना, अरे ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा? हेल्थ के प्रोडक्ट पे कोई गारंटी नहीं है। मुझे बोलिए, किसी डॉक्टर के पास कोई मेडिसिन मिलती है तो अगर वो काम नहीं करती, आप डॉक्टर बदल देते? ऐसी गारंटी नहीं कि एक ही बार में दवाई में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हेल्थ में कोई गारंटी नहीं होती है। हेल्थ में प्रोडक्ट को आपको सेवन करना रहता है, आपको वहाँ पे एक तक का चांस लेना ही पड़ता है। और ऐसे एक तक का चांस लियोगे, कितने लोग हैं डेसन में? 30 सालों से ये लोग सेवन कर रहे हैं, हेल्थ ले रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे अस्वस्थ था, बीमारी के लिए बहुत सारे लाखों पैसे खर्च कर चुके, 3 महीने में रिजल्ट आए। बड़े बड़े प्रॉब्लम जिसमें 6 महीने में रिजल्ट आए, ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो जो एक तक का जिन्होंने चांस लिया तो उन्होंने हेल्प पाई है। फिर भी हम ये सोचते हैं, चलो मेरे से तो प्रोडक्ट मैंने ले लिए, लेकिन कोई और नहीं लेगा तो? एक चीज ऐसी होती है ना कि मैंने तो शुरुआत करी लेकिन बिजनेस नहीं चला, तो ऐसा भी एक प्रश्न चिन्ह होता है। चलो मैंने बिजनेस शुरू कर दिया लेकिन बिजनेस नहीं चला, तो एक ऐसा प्रश्न आता है। अगर बिजनेस नहीं चला तो एक चीज तो याद रखो, अगर DHSN प्लेटफॉर्म पे आए हो, किसी और का नहीं लेकिन खुद का जीवन तो आप बदल रहे हो। यस, मैं गारंटी देती हूँ, किसी और का नहीं लेकिन खुद का जीवन आप 100% बदल के रहोगे, क्योंकि वो निर्णय आपका था। अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हो, ऐसी कंपनी जिसके सर पे 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है।
जितने बहुत सारे इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, बहुत सारे अभी इन्होंने कहा आइलैंड बनाए हुए, किसके लिए बनाए हुए? हमारे लिए बनाए। तो जो एक टक्का हम विश्वास करें और इसके साथ जुड़ जाए, तो जो एक टक्का में है आज प्रोफेसर बसुपाल, जिन्होंने 23 साल पहले एक टक्का विश्वास करके आज नेशन में ज्वाइन है, 200 करोड़ के ऊपर आज तक कमा चुके हैं, 1 लाख का जॉब छोड़ दिया था, एक तक का विश्वास करके अगर मैं इसमें जुड़ा और ये नहीं चला तो, लेकिन 99% नहीं चला तो, लेकिन 1% का उनको विश्वास था कि अगर ये चला तो मैं जिंदगी में कहां से कहां निकल जाऊंगा। और आज यही चीज है कि वो दुबई में गोल्ड वीजा लेके पूरे भारतवर्ष में जितने सारे शहर है वहां पे उनके घर। तो ये लाइफ है कि आपका विश्वास, आप जब 1% का भी विश्वास करके लेते हो, अगर ये चला नहीं चला तो। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप 10,000 आज लगा रहे BXN, आप जुड़ते हो 10,000 लगा रहे, विचार करके हम 10,000 क्यों लगाए? हम 10,000 एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं। 10,000 आप अगर फिक्स डिपॉजिट पे डालते हो तो 10 साल बाद 20,000 मिलेगा। 10 साल बाद 20,000 की क्या कीमत? बच्चों की 1 महीने की फीस या तो 1 जोड़ी कपड़ा आप ले पाओगे। लेकिन वही 10,000 आपने आज आयुर्वेद को दिए, अपने शरीर को दिए, अपने फैमिली को दिए, तो उस 10,000 से 10 करोड़ कमा पाओगे। yes. आसान है? yes. कर सकते हो 10,000। वही 10,000 आपको 10 करोड़ कमा के दे सकते हैं। 10,000 आपको आज आयुर्वेद में देने हैं या बाहर जाके, डॉक्टर्स भी बहुत खड़े हैं उधर, बाहर डॉक्टर्स को देने पड़ेंगे। आपके पास 2 चॉइस है, एक तो पहली 10,000 जमा करना आज के दिन में इतना आसान नहीं है, और कमा भी लिए बाजू में रख दीजिए तो एक तो आयुर्वेद को दीजिए या तो बाहर खड़े डॉक्टर से। डॉक्टर को आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर रोज हर महीने में 3,000 से 4,000 हम खुद के लिए खर्च कर रहे हैं। फैमिली ऐसी कोई नहीं बची है कि जिसके घर में ब्लड शुगर नहीं है और डायबिटीज नहीं है, कुछ तो अप्स एंड डाउन हर फैमिली में चलती है। और कुछ नहीं तो हम चाहते हैं बच्चा 70% से 80% से 80% से 90% से पूरा भारतवर्ष में फैलाए। इस सचोटी के लिए भी हम काम करते रहते हैं, पैसा निवेश करते रहते हैं। तो वो 10,000 आज आपके लिए दीजिए या तो बाहर खड़े उनके लिए दे सकते हैं। किसको देना चाहते हैं 10,000? किसके लिए देना चाहते हैं? खुद के लिए देना चाहते हैं, तालियां खुद के लिए। एक जीवन चलता है कि अपनों के लिए, हम जब अपनों के लिए काम करते हैं ना तो हेल्थ में भी काम करते हैं और वेल्थ में भी काम करते हैं। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपको लगता है ट्रेनिंग के बिना आप कुछ काम कर सकते हैं? ट्रेनिंग के बिना कुछ काम होगा? आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जैसे मीटिंग्स है, मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। घर पे बैठ के आपको कुछ ट्रेनिंग मिलेगा? ऑनलाइन मिलेगा। लेकिन जब आप ऑफलाइन जाते हो, एक दूसरे से मिलते हो, तब आप ज्यादा ट्रेनिंग में समझ पाते हो। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, पोलियो समझ में, पोलियो डोज दिया गया। जब पोलियो डोज शुरू किया तब पोलियो डोज गवर्नमेंट ने WHO ने फ्री दिया था, ओके, और जो नन्हे 2 साल के बच्चों के लिए फ्री दिया था। लेकिन जब वो मार्केट में देने के लिए आ गए, जब वो सेविकाएं आने को आ गए, तो कोई अपने बच्चों को उधर लेके आने को तैयार नहीं था। क्यों नहीं तैयार था पता? पैसे मांग रहे मेहनत के लिए, किसी के चीज कीमत नहीं हो बराबर। वहां पे अमिताभ बच्चन जी एडवर्टाइजिंग कर रहे थे और वो क्या कह रहे थे? 2 गुण जिंदगी के लिए पिलाइएगा। वो गुण जिंदगी अमिताभ बच्चन इतना बड़ा हीरो, बहुत बड़ा हीरो, जो कह रहा है WHO के प्लेटफॉर्म पे कि 2 गुण जिंदगी के अपने बच्चे के जीवन के लिए दीजिएगा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इसके लिए रिसर्च हुआ, इसके लिए पढ़ाई हुई कि इतना बड़ा हीरो जिसका पिक्चर देखने के लिए साथ दौड़े चले जाते हैं,
इसको सुन कोई नहीं रहा है, अपने बच्चों को भेज क्यों नहीं रहा है। वो गांव गली शहर घूमने लगे और देखने लगे कि अमिताभ बच्चन जो छाए हुए हैं वो काम क्यों नहीं होता। छाए हुए है ना, अमिताभ बच्चन का पिक्चर लगता है तो दौड़ के जाते हैं, सब अमिताभ बच्चन को पहचानते हैं, जानते हैं, मजा आता है उनका पिक्चर देखने के लिए। जब उन्हें पता चला बच्चा 2 साल का है, कंज्यूमर कौन है, जो उपभोक्ता है वो क्या है, 2 साल का है, उसका काम कुछ है ही नहीं। उसके जो माता जी है वो उसका उम्र क्या है, 20-22 साल, तो वो डिसीजन नहीं, निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन उसके सास ससुर माता पिता कितने उम्र के हैं, लगभग 50-60 के उम्र बराबर है, मतलब वो 1970 के जन्म के वहां के है। यानी जब अमिताभ बच्चन जी पिक्चर में थे तो वो पिक्चर अमिताभ बच्चन का देखते थे और वो वहां पे उनको क्या देखते थे, एक एंग्री मैन के हिसाब से, क्या हिसाब से देखते थे, एंग्री मैन, एक गुस्सा वाला। आज भी वह वो फेंके हुए पैसे नहीं खाता, वो एंग्री मैन के हिसाब से देखते थे। पूरी एंग्री मैन हाथ जोड़ के बोल रहा है कि दो गुल जिंदगी के पिला दीजिए, अभी इनको समझ में आया गलती इधर। अभी दूसरी एडवर्टाइजिंग चली जिसमें अमिताभ बच्चन जी आते हैं, क्या तुमको बोला था डोज पिला दो, भेजा नहीं है क्या, भिजवा दूं, डोज पिलाना है कि नहीं। ये एडवर्टाइजिंग हो गई, उसके बाद पोलियो सेंटर पे माए अपनी नानी दादी बच्चों को लेके लाइन में खड़े हो गए, समझ में नहीं आया क्या। तो एक दादी जी को बुलाया कि क्या हुआ, जो पहले आपको बोला था दो गुण जिंदगी के लिए देने को, अभी भेजा नहीं है, भेजा भी जाओ तो कैसे आ गए। नहीं, वो अमिताभ जी गुस्सा हो गया ना, इसलिए बच्चों को लेके। यू नो हाउ इफेक्टिव ये एडवर्टाइजिंग इज, जाहिरात आपके मन पे कितना काम करती है, वो कलाकार वो सेलिब्रिटी आपके मन पे कितना काम करता है, आपके मन को काबू में करके रखता है, समझ में आता है। वो प्यार से बोल रहे हैं लेकिन एंग्री मैन प्यार से कैसे बोल सकता है, तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। जब उसने बोला भेजा भिजवा दूं, तब वो एंग्री मैन, उन्होंने क्या देखा था अमिताभ बच्चन को, एंग्री मैन के हिसाब से देखा था। तो हम वही करते हैं, आपके बाजू में आपके यहाँ पे जब हेल्थ दिखाई देगी, वेल्थ दिखाई देगी, तब उनको रिएक्ट।